सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बीएनसी यूनिवर्स को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आप तक पहुंचे हमारे वीडियो सबसे पहले। हाय दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास और आप देख रहे हैं बीएनसी यूनिवर्स चैनल ऑन यूट्यूब। आज हम बात करने वाले हैं कि सिंगापुर में मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ आप किस तरह से वर्क परमिट में जा सके और कौन कौन से काम यहाँ पे अवेलेबल है। वैसे तो आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो खास करके होटल और शॉपिंग मॉल के बेस पे है। साथ ही साथ हम इसमें ये भी बात करेंगे कि आप अपना सेल्फ असेसमेंट किस तरह से कर सकते हैं कि सिंगापुर में आपको कौन सा वीज़ा मिल सकता है, आप कौन से वर्क के लिए जा सकते हैं, इसके बारे में भी हम अपने वीडियो में आज बात करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि हम ये वीडियो सिर्फ उनके लिए बना रहे हैं जिनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है और वो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, खास करके सिंगापुर, और क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छी पेमेंट मिल जाती है विथ मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो हम आपको बताएंगे कि होटल या फिर शॉपिंग मॉल में कौन कौन से जॉब अवेलेबल हैं, आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और क्या प्रोसेस रहेगा और किस टाइप के वीज़ा आपको मिल सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि हम यहाँ पे ऐसे प्रोफेसर की बात कर रहे हैं जो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन में आपको मिल सकता है, जैसे कि हो गया क्लीनर, ड्राइवर, वेटर, कुक, हेल्पर एंड सेफ। ये जो प्रोफेसर हैं ये आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन में मिल जाएगी। इसके लिए ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत नहीं है और आपको काफ़ी अच्छी सैलरी पैकेज यहाँ पे मिल सकती है। मतलब जो सैलरी पैकेज यहाँ पे इन प्रोफेशन के लिए मिलती है वो है 60,000 से लेके 80,000 तक इंडियन करेंसी में, अगर हम बात करें तो इतने आपको जॉब के लिए पैसे मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो काम करना होता है वो होता है 8 आवर्स, और साथ ही साथ जो आपकी एज यहाँ पे चाहिए होती है वो होती है 18 से 32 ईयर्स ऑफ एज। साथ ही ये जो वीज़ा आपको मिलता है वो 2 साल का वीज़ा आपको मिलेगा, और साथ ही साथ आप जब वहाँ पे आएंगे वीज़ा लेके देन आपका फूडिंग और एकोमोडेशन दोनों ही चीज़ें आपकी कंपनी आपका बेयर करेगी। तो आपका फूडिंग और एकोमोडेशन आपकी कंपनी की तरफ से होता है। साथ ही साथ अगर हम इस पूरे प्रोसेस में टाइम लगाएं, मतलब जॉब एप्लीकेशन से लेके वीज़ा मिलने तक तकरीबन 30 दिन से लेके 40-45 दिन लग जाते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरह से हमें जॉब मिलेगा। जॉब मिलने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी CV रेडी रखनी चाहिए, ठीक है। जब तक आप अपना CV नहीं बनाते देन आपको जॉब मिलने से रहा, क्योंकि हम वहाँ पे खुद पर्सनली जाके इंटरव्यू नहीं देते। सबसे पहली चीज़ जो करते हैं हम जॉब पोर्टल्स में जाके अपना CV फॉरवर्ड करते हैं उनको। तो अपना CV अच्छे से बनाइए, जितना बेटर आपका CV होगा उतना अच्छे चांसेस होंगे आपके अब्रॉड में जॉब मिलने के। तो सबसे पहले अपनी CV बनाइए। CV बनाने के बाद मैं कुछ जॉब पोर्टल्स बोल रहा हूँ उनके लिंक्स भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे भी चेक कर सकते हैं, और उन जॉब पोर्टल में अपना प्रोफाइल क्रिएट कीजिए। अपनी प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। जॉब पोर्टल्स जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंगापुर में पॉपुलर हैं वो हैं JobsDB, मॉन्स्टर जॉब्स, जॉब स्ट्रीट और जॉब सेंट्रल। ये जो 4 वेबसाइट हैं ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं अगर आप सिंगापुर में जॉब लेना चाहते हैं तो ये जॉब पोर्टल्स में आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा सक्सेस मैंने देखा है वो जॉब सेंट्रल में देखा है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को सक्सेस मिलता है। तो आपको अपनी प्रोफाइल पहले इन जॉब पोर्टल्स में बनानी है, जो भी जॉब पोर्टल्स आपको कन्वीनियंट लगे, देन उसके बाद जो भी जॉब आपको रेलिवेंट लगती है वो जॉब के लिए आप अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद वहाँ से जॉब ऑफर आएगा, और अगर आपको वो जॉब ऑफर सही लगता है देन आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा के लिए। यहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप के वीज़ा आपको मिलते हैं, जैसे कि E-पास हो गया या फिर S-पास हो गया या फिर Work-पास हो गया, ये कुछ अलग अलग टाइप के वीज़ा वहाँ पे मिलते हैं। आपको अगर देखना है कि आप कौन से मतलब वीज़ा के लिए क्वालिफाई करते हैं, मतलब ये वीज़ा जो यहाँ पे मिलते हैं वो आपके क्वालिफिकेशन और आपके जॉब रोल पे डिपेंड करता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कौन से वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं देन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक सेल्फ असेसमेंट टूल का लिंक दे दूंगा जो कि सिंगापुर के ऑफिशियल वेबसाइट से है, उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं अपना और कौन से वीज़ा के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे वो भी आपको पता चल जाएगा इस लिंक के थ्रू से। साथ ही साथ जो वीज़ा आपको मिला है उस वीज़ा पे आपको वहाँ पे अराइव करने के बाद PIA मिलता है, उसके बाद आपको फिजिकल वर्क पास मिलता है जो कि आपकी कंपनी से आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका वीज़ा प्रोसेस रहेगा। जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगी वो कुछ इस तरह से हैं, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे स्कैन कॉपी में रेडी रखिए, खास करके कलर स्कैन कॉपी में। दूसरी जो चीज़ है वो है अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है देन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रेडी रखिएगा। देन आपके पास आपका पासपोर्ट की स्कैन कॉपी भी रेडी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स रेडी होने चाहिए, जिसमें आपके
बैकग्राउंड जो है वो वाइट होना चाहिए, साथ ही साथ अपना सीवी, तो जो मैंने स्टार्टिंग से कहा कि सीवी हमेशा अपने साथ होना चाहिए, तो ये सीवी भी आपके पास रेडी ही होना चाहिए ताकि किसी भी टाइम पे जब आपका वीज़ा के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं देन सारी चीज़ें आप रेडी रखिए। साथ ही साथ जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका मेडिकल, आपका मेडिकल भी रेडी होना चाहिए, मेडिकल रिपोर्ट जो कि 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे ज़्यादा पुराना कोई भी कंपनी नहीं चलाती। सो ये था एक वीडियो जिसमें हमने कोशिश की कि आपको ये एक्सप्लेन कर सकें कि सिंगापुर में किस तरह से जॉब मिलती है और किस तरह से आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो देन आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और कोई भी आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए देन भी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दिस इज़ विश्वास साइनिंग ऑफ, स्टे कनेक्टेड।